नमस्कार दोस्तों, आरजी स्टूडियो चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मेरा नाम राहुल है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एनडी तिवारी के पुत्र की रोहित शेखर तिवारी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी, तो उनकी जो मृत्यु हुई थी उसके बारे में मैं आपको जो नई जानकारी है वो बताऊंगा। इनकी जो मृत्यु है ये 16 अप्रैल 2019 को हो गई थी। यहाँ देख सकते हैं, उत्तराखंड व यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री दिवंगत एनडी तिवारी के बेटे रोहित शेखर तिवारी की मौत के मामले में शुक्रवार को नया मोड़ आ गया। तो ये जो पिछला शुक्रवार था उसमें उसकी जानकारी आई है। सूत्र बता रहे हैं कि उनकी मौत स्वाभाविक नहीं है, संभवतः तकिया से मुंह दबाकर उनकी हत्या की गई है। बृहस्पतिवार को आई 8 पेज की पोस्टमार्टम रिपोर्ट से खुलासा हुआ है कि रोहित की मौत दम घुटने से हुई है। पीएम पोस्टमार्टम रिपोर्ट में दिल का दौरा पड़ने से मौत का जिक्र नहीं है। दिल्ली पुलिस ने पीएम रिपोर्ट के आधार पर अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ हत्या का केस दर्ज कर लिया है। अब इस मामले की जांच अपराध शाखा करेगी। केस दर्ज होने के तत्काल बाद क्राइम ब्रांच की टीम ने डिफेंस कॉलोनी स्थित रोहित के घर C-329 में घटनास्थल का मुआयना किया। फोरेंसिक टीम CFSL ने घटनास्थल से कुछ सैंपल और फिंगरप्रिंट भी जुटाए हैं। दक्षिणी जिला पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर विशेषज्ञों से राय लेने के बाद हत्या का मामला दर्ज किया गया है। सूत्रों के अनुसार रोहित की मौत तकिए से मुंह दबाकर की गई है। पुलिस ने दावा किया कि मामले में जल्द बड़ा खुलासा हो सकता है। वहीं शुक्रवार को हरिद्वार में रोहित की अस्थियां विसर्जित की गईं। और इसके बाद जो ये आज 23 अप्रैल 2019 है, इसकी जो रिपोर्ट है वो मैं आपको बता देता हूँ। रोहित शेखर तिवारी की मौत मामले में दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा को सोमवार शाम फोरेंसिक रिपोर्ट मिल गई है। इसमें रोहित की हत्या की जाने की पुष्टि हुई है। इससे पहले पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चला था कि रोहित की तकिए से गला व मुंह दबाकर की गई है। सूत्र बताते हैं कि अपराध शाखा इस मामले को सुलझाने के बहुत करीब पहुंच गई है। जहां रोहित की पत्नी अपूर्वा पर जाकर रुक रही है। उनका दावा है कि इस मामले का जल्द खुलासा कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि रोहित की फोरेंसिक रिपोर्ट आ गई है। इसमें खुलासा हुआ है कि रोहित के नाखून और पैर के तलवे नीले हो गए थे। ऐसा खून में ऑक्सीजन लेवल कम होने से होता है। पुलिस रोहित की विसरा रिपोर्ट का इंतजार कर रही है। इसके आने के बाद जो कड़ियां बची हैं उन्हें जोड़ लिया जाएगा। उक्त अधिकारी ने बताया कि विसरा रिपोर्ट आने के बाद ही यह पता लगेगा कि रोहित की हत्या करने से पहले उसे नशीला पदार्थ दिया गया था या फिर जहरीला पदार्थ। हालांकि रोहित के शराब पीने की बात पहले ही पता चल चुकी है। अपराध शाखा के अधिकारियों के अनुसार अब यह देखा जा रहा है कि इस वारदात को अंजाम एक आरोपी ने दिया या फिर उसके साथ कोई और था। पुलिस के अनुसार रोहित शेखर जब उत्तराखंड से लौटे थे उस समय कार में उनके साथ 4 और लोग थे। इसमें एक महिला रिश्तेदार, नौकर भोलू और भोगिंदर, ड्राइवर अखिलेश और एक अन्य शख्स था। पुलिस उस शख्स की तलाश में जुटी हुई है। यहाँ देख सकते हैं ये जो रिपोर्ट है, सीसीटीवी फुटेज की जांच जारी। दिल्ली पुलिस रोहित के डिफेंस कॉलोनी स्थित घर व साकेत स्थित मैक्स अस्पताल में लगे सीसीटीवी फुटेज को खंगाल रही है। फुटेज में रोहित की मौत के बाद परिवार के सदस्यों के हाव भाव देखे जा रहे हैं। हालांकि पुलिस को पता लगा है कि अपूर्वा की अस्पताल में सिद्धार्थ और राजीव पप्पू से कोई बातचीत नहीं हो रही थी। सीसीटीवी फुटेज में सिद्धार्थ कई बार अकेले ही खड़ा दिखाई दे रहा था। अपूर्वा के नाखूनों के नमूने जांच के लिए भेजे। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि रविवार को अपराध शाखा की टीम अपूर्वा को एम्स ले गई, जहां नाखूनों व बाल के नमूने लेकर फोरेंसिक जांच के लिए भेजे गए। पुलिस ने अपूर्वा के अलावा 2 और लोगों के हाथों के नाखूनों के नमूने लिए हैं। दरअसल रोहित की गर्दन पर हल्के रगड़ के निशान मिले हैं। उसके हाथ पर भी एक निशान था। पुलिस पता लगाने का प्रयास कर रही कि रोहित की गर्दन पर किसके हाथ के निशान है। फिलहाल रिपोर्ट का आने का इंतजार है। पुलिस को CFSL और मोबाइल नंबर की रिपोर्ट आज कल में मिलने की उम्मीद है। तो इस वीडियो में मैंने आपको स्वर्गीय एनडी तिवारी के पुत्र रोहित शेखर तिवारी की जो संदिग्ध परिस्थिति में मौत हुई थी उसके बारे में जानकारी दी है। मैं ऐसे ही जो टॉप की हेडलाइंस होती है उसके लिए वीडियोज बनाता हूँ। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य ऑन कर लें ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।